हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर टू अस। आज कुछ वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ होली फोटो एडिटिंग बैकग्राउंड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी होली आने वाला है, अगर आप उसके ऊपर अपनी फोटो को एडिट करना चाहते हो तो ये देखो एकदम मस्त फोटो आपके लिए लेकर आया हूँ। और इसके जितने भी स्टॉक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट फॉर इट। सब्सक्राइब NM भाषा चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस द अपडेट। देखो ये बैकग्राउंड सबसे पहले आपको मिलेगा, इसको ऐड करना है। उसके बाद से क्रॉप पे जाना और यहाँ पे रिसाइज पे जाना और इसको आपने 3K कर देना, ठीक है। उसके बाद सब देखो ऐड फोटो पे जाना और यहाँ पे आपको एक होली की टेक्स्ट PNG मिलेगी, उसको ऐड कर लेना और यहाँ पे आपने जैसे इसको फुल बैकग्राउंड पे करना और ये सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब आपने इसको डन कर देना। फिर आपने अब क्या करना है, डन करने के बाद से ऐड फोटो पे जाना है और एक लड़की की PNG मिलेगी, ठीक है। तो आपने इसको ऐड कर लेना है, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, फिर ऐड करना। तो यहाँ पे देखो हम इसको सेट करेंगे और उसके बाद से देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ऐड फोटो का एक और ऑप्शन है। उसके बाद से वहीं से हम दोबारा से ऐड फोटो पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी कटआउट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं इसको और यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये ऊपर है तो लेयर वाले ऑप्शन पे जाकर इसको मूव डाउन करेंगे। अब देखो अभी सेट करते हैं तो देखो ये अच्छे से सेट नहीं हो रहा है। अब देखो ट्रिक देखो, यहाँ पे फ्लिप वाले ऑप्शन पे जाना है, नीचे जो दिख रहा है उसके बाद से यहाँ पे इसको फ्लिप कर देना है। अब यहाँ पे सेट करेंगे तो देखो एकदम परफेक्टली एकदम मस्त सेट होगा। ऐसे ही गाइज आपको भी एडजस्ट करके सेट करना है ताकि गाइज ये एकदम मस्त सेट हो। अगर आप सही से सेट नहीं करोगे तो फिर आपकी फोटो ही नहीं सही बनेगी, तो यहीं पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद से देखो यहाँ से हमने इसको डन कर लिया, फिर ऐड फोटो पे जाएंगे और यहाँ पे एक स्मोक की PNG मिलेगी, ठीक है। इसको ऐड करो, उसके बाद से फुल बैकग्राउंड पे करो और जहाँ पे भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, मतलब अगर आपके फेस पे ज़्यादा आ रहा है तो इरेजर पे जाओ, हार्डनेस को जीरो कर दो और यहाँ पे उसको इरेज कर लो, ठीक है। जहाँ पे भी एक्स्ट्रा आ रहा है आपने उसको इरेज कर लेना है। जैसे देखो यहाँ पे नीचे मेरे हैंड साइड में आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम टिक करते हैं, ठीक। अभी यहाँ पे हमारी एक और PNG बची है, ऐड फोटो पे जाएंगे और ये स्मोक वाली PNG एक और है, ठीक है। इसको हमें फेस पे लगाना है तो फेस पे आपको एडजस्ट करके इसको सेट कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको ब्लेंडिंग पर जाएंगे, मल्टीप्लाई या फिर डार्केन, दोनों में से आपको एक रख सकते हो। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं और ये देखो हमारे फेस पे भी कलर लग गया, ठीक है। इस तरह से आपने भी लगा लेना है। उसके बाद हम इसको टिक कर देंगे और फिर ऐड फोटो पे जाएंगे और एक और लास्ट स्मोक की PNG बची है, इसको ऐड करना, ठीक। और यहाँ पे इसको फुल बैकग्राउंड पे कर देना, बस ये सेट हो गया। तो यहाँ पे इसको सेट करने के बाद से डन करना और फोटो को कर लेना सेव, और सेव करने के बाद से लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना। तो यहाँ पे आपको प्रीसेट और फोटो दोनों ऐड कर लेनी है, प्रीसेट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो प्रीसेट ओपन करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे कॉपी सेटिंग, उसके बाद से फोटो पे जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट सेटिंग। तो जो प्रीसेट का इफेक्ट है आपकी फोटो में आ जाएगा और देखो एकदम हमारी फोटो एकदम होली के कलर में एडिट हो गई है, सभी कलर एकदम उभर के आ रहे हैं। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब।